हेलो व्हाट्स हैपनिंग गाइस, प्रगी हियर। और ये हमारा माइनक्राफ्ट का क्रिएटिव वाला गेम प्ले है। और इस गेम प्ले में हम असल में आज ना मुझे एक आयरन का फार्म बनाना है। मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें आयरन फार्म काम करता है कि नहीं, मतलब क्राफ्टिंग बिल्डिंग में आयरन फार्म मैं बना सकता हूँ या फिर नहीं। तो आयरन फार्म बनाने के लिए मुझे जो जो चीज़ें मुझे चाहिए वो होगा कुछ टिंटेड ग्लास, उसके बाद जॉम्बी लेते हैं हम लोग। जॉम्बी एक मिनट, मैं पहले जॉम्बी को ले लेता हूँ। हाँ, साउंड तो ठीक है। तो जॉम्बी कहाँ है भाई? हाँ, तो मुझे जॉम्बी तो मिल चुका है। अब मुझे चाहिए होगा एक विलेजर। तो हम विलेजर को बोट में करके ला सकते हैं या फिर माइनक्राफ्ट में भी ला सकते हो। उसके बाद हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो होगी, ये नहीं, ये चाहिए होगा मुझे कुछ। और इसके बाद एक ये बकेट, वाटर बकेट, और एक बकेट ऑफ लावा। इसका काम सब हो चुका है। तो अब मुझे बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स में मुझे लगता है कि स्टोन लेना ही ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, मुझे कॉबल स्टोन भी मिल चुका है। और अगर आपको ऐसा शेडर ऐड करना है ना, तो मैं एक वीडियो की लिंक दे दूँगा, उस वीडियो को देख लेना, वो मेरा ही वीडियो है। तो पहले हमें यहाँ से 8 ब्लॉक तक ऊपर आना होगा। मैंने कितने किए? 1, 2, 3, उसके बाद 4, 5, 6, उसके बाद 7, 8। देखते हैं पहले 8 ब्लॉक हुआ कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ यार, 8 ब्लॉक जब हो चुका है तब आपको यहाँ पे एक ऐसा कुछ करना है। आपको एक बेस बनाना होगा अपने ब्लॉक्स के पास, आपका मिडिल वाले ब्लॉक के पास। आपको बस ब्लॉक्स को लेके ऐसे कर देना है। और उसके बाद इसका एक लेयर और बनाना होगा आपको, बस बिल्कुल ऐसे जैसे मैं करता हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ। आपको ऐसे अपने मिडिल वाले ब्लॉक को छोड़ के 2 लेयर्स ऐड करनी होगी, अब मिडिल वाले ब्लॉक के चारों तरफ। और ये हमारा लास्ट वाला लेयर होगा। तो हमारा कॉबलस्टोन के सारे लेयर्स कंप्लीट जब हो चुके हैं तब हमें लगेगा कुछ बेड। हाँ, मैं बेड लेना भूल गया। तो बेड हम लेते हैं पहले। बेड यहाँ पे है। हाँ, तो मेरे पास एक बेड है, एक नहीं बहुत सारी बेड है। तो हमें एक बेड रखना होगा यहाँ पे एक बेड रखा, उसके बाद यहाँ पे एक बेड रखा। नहीं, एक मिनट यार, मैं ऐसे एक बार कर चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं अगर ऐसे बेड ना रखे, ऐसे बेड रखूँ, तो वो शायद ज़्यादा इजी हो जाएगा विलेजर्स के लिए। क्योंकि मुझे यहाँ पे विलेजर्स को ले आना होगा। जब तक विलेजर्स सोएंगे नहीं तब तक हमारा काम नहीं होगा। तो मुझे तो वीडियो में कुछ उल्टी तरह से बताया गया था कि जैसे हम बेड रख रहे हैं आपको भी वैसे ही रखना है, पर मैं दूसरी तरह से कर रहा हूँ। तो हमें कुछ ग्लास भी चाहिए होगा। क्लियर ग्लास ले लेते हैं हम लोग, नॉर्मल ग्लास। तो इस ग्लास को लेके हमें इसके चारों तरफ ऐसे कवर करना होगा। तो कवर करने के लिए ऐसे और कवर ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे जल्दी 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 एक मिनट धीरे से। हाँ, इस तरह से हमें हर एक तरफ को हमें बिल्कुल ठीक तरह से कवर कर देना होगा, जिससे इसके अंदर जॉम्बीज ना आ पाए। और यार, ये मुझे गारंटी नहीं है कि ये काम करेगा भी या नहीं, क्योंकि यार मुझे ही नहीं पता ये काम करेगा कि या नहीं। एक मिनट, इसके 3 ब्लॉक्स तो हो चुके हैं ना? नहीं यार, एक ही हुआ, एक और दो। मुझे इसको 3 ब्लॉक तक बनाना होगा। तो एक हुआ, दो हुआ, तीन, और तीन तीसरा ब्लॉक ये रहा। तो इस तरह से हमें हर एक तरफ को कवर कर देना होगा, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही। यार, इतना क्लियर ग्लास का शेड है, मुझे उतना हजम नहीं हो रहा। मुझे इसमें से कुछ दिख नहीं रहा कि ग्लास कहाँ है, क्या कहाँ है, मुझे इसमें यहाँ से कुछ भी दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे हम एक ऑल स्टोन का गैप छोड़ सकते हैं। अगर आप ना चाहो तो मत छोड़ो, उसमें आपकी मर्ज़ी है, पर मैं तो छोड़ रहा हूँ। मुझे बस ऐसे ही पसंद आया कि इस जगह पे हमें थोड़ा सा ऑल स्टोन छोड़ना चाहिए। तो पहले हम इसके छोड़ देंगे। और यार, अगर ये काम नहीं किया ना, तो मैं इसके ऊपर कमांड ब्लॉक लगा दूंगा, उससे ये तो गारंटीड काम करेगा। क्योंकि कमांड ब्लॉक से अगर आप गोलम को स्पॉन करोगे तो गोलम ज़रूर स्पॉन हो जाएगा। तो आपको इस तरह से कुछ कॉबल स्टोन्स को लेना होगा। यहाँ पे आप ऐसे कॉबल स्टोन को लगा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो यहाँ पे हमें कॉबल स्टोन को लगाना होगा। यार, मैंने ना बहुत ज़्यादा बेड्स ले लिए, मुझे पता नहीं ये काम करेगा भी या नहीं। तो हम भी इसे देखेंगे ये काम करता है या फिर नहीं। तो हमने जितने बेड्स लिए हैं उससे अगर हमने कम विलेजर्स लिए तो शायद काम नहीं करेगा। तो हमें इससे ज़्यादा विलेजर्स लेने होंगे, ले आने होंगे जितने हमने बेड्स लिए हैं। तो इतना काम जब हो चुका है, मतलब इतना काम अपना हो गया, इसके बाद आपको इस चारों तरफ को आपको कवर कर देना होगा। और यहाँ पे आपकी एक और चीज़ लगेगी, यहाँ पे आपको वॉल्स लगेंगे। तो वॉल कहाँ है भाई? हाँ, ये देखो, मेरे पास कुछ वॉल्स है और मुझे लगता है कि ये ठीक तरह से बना नहीं है। एक मिनट यार, यहाँ पर अगर मैं एक लेयर ऐड करूँ तो शायद ये ठीक तरह से बनेगा। हाँ, एक मिनट, मैं देख लेता हूँ पहले। एक लेयर मुझे लगता है एक्स्ट्रा ऐड करने से परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। अब हमें इसको चारों तरफ से इस क्या कहते हैं, इसे वॉल से कवर करना होगा। क्योंकि यार, इस वॉल के बिना ये छूट जाएगा, मतलब आयरन गोलम्स जो यहाँ पे स्पॉन होंगे वो शायद बाहर स्पॉन हो जाए। अगर वॉल के अंदर स्पॉन हो तो वो लोग डायरेक्ट जाके लावा में गिरेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे तो लावा कैसे लाएगा, तो यार मैं सब कुछ आपको दिखाता हूँ। हमें इस वॉल को 3 ब्लॉक का बनाना होगा, क्योंकि गोलम्स की हाइट 4 ब्लॉक तक होती है, आयरन गोलम्स की हाइट। तो हमें इसे 3 ब्लॉक तक बनाना होगा। तो यहाँ से बिल्कुल ऐसे यार वेदर का ठीक क्लियर कर देते हैं। ये होगा डे हो गया, और यहाँ पे वेदर सेट क्लियर। हाँ, वेदर अब क्लियर हो चुका है। क्लियर हुआ नहीं है पर हो जाएगा। वेदर के लिए, वेदर को लेके उतनी टेंशन है नहीं। मैं ना इसके बाद आपको एक वेदर का ट्रैप भी बनाना सिखाऊंगा। तो पहले हमें ऐसे बिल्कुल, हाँ, अब हमें इस लास्ट वाले एरिया को भी कवर कर देना होगा। आपको बीच में देखना होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। अगर एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तब आपका सारा काम हो चुका है। और मुझे कुछ चेस्ट और हॉपर्स भी चाहिए होंगे। कुछ नहीं, असल में मुझे 2 ही चाहिए, चेस्ट और हॉपर।
तो यहाँ पे ऐसा कुछ आपने बना दिया। इसके बाद इस जगह को भी लास्ट वाले को फिल कर दो। इसके बाद यहाँ पे आपको बीच में आना है और यहाँ पे आपको पानी देना है। पानी दे दो, पानी देख सकते हो पानी का फ्लो इस तरफ है, मतलब यहाँ पे आके पानी रुक जाएगा। हाँ, पर हम यहाँ पे पानी को रुका नहीं सकते, तो हमें यहाँ पे एक ऐसा लगाना होगा। पानी यहाँ से रुक गया, पानी यहाँ से भी रुक गया। यार देख सकते हो पानी यहाँ से तो रुक चुका है, पर यहाँ पे आके रुकेगा नहीं। तो हमें हमने जब पानी का इस तरह से रोक दिया है, तो मुझे यहाँ पे एक मिनट, हाँ मुझे यहाँ इसे नहीं ऐसे करना था बस। तो मैं इसको तोड़ देता हूँ, नेक्स्ट वाले को तोड़ देते हैं हम लोग। तो इतना काम जब अपना हो चुका है, देख सकते हो बीच में एक ब्लॉक का गैप है। इस एक ब्लॉक में हमारा हॉपर बैठेगा। तो पहले हमें यहाँ पे एक ऐसा कुछ बनाना होगा, एक ब्लॉक को छोड़ के ऐसा और यहाँ पे एक ब्लॉक को छोड़ के ऐसा। बिल्कुल परफेक्ट हमारा बन चुका है ऐसा ये। तो अब हमें जो काम करना है वो है यहाँ पे भी एक ये लगा देना। और शायद मैंने गलत लगा दिया, नहीं या ठीक ठाक ही लगाया है मैंने। तो इसे यहाँ पे हमें लगाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो हमें बस एक बकेट ऑफ लावा लेना होगा और इसको इस वॉल के पास डालना होगा। यार हाँ, ये देख सकते हो बकेट ऑफ लावा बिल्कुल ऐसे एक ब्लॉक ऑफ लावा की तरह लगेगा बिल्कुल यहाँ पे। और क्योंकि गोलम्स की हाइट 3 ब्लॉक तक होती है, तो गोलम यहाँ पे आके मर जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद आपको पीछे की तरफ आके इस ब्लॉक को तोड़ देना है और यहाँ पे आपको हॉपर्स लगाने होंगे। तो हॉपर हम लेते हैं पहले। फिर हॉपर कहाँ है, हॉपर हॉपर सर, मैं हॉपर्स को देखता हूँ। हॉपर हमारे कहाँ है, हॉपर्स, हाँ हमें कुछ हॉपर्स चाहिए और कुछ चेस्ट भी चाहिए होगा। चेस्ट या चेस्ट बहुत सामने होगा। हाँ ये देखो हमें चेस्ट भी मिल चुका है अब। तो इस चेस्ट के बाद हमें यहाँ पे आप देख सकते हो इस ब्लॉक पे हॉपर ऐड होगा। तो हम पहले इन जगहों को तोड़ देते हैं क्योंकि इन जगहों का अभी के लिए हमें कोई काम नहीं है। तो हॉपर को बिल्कुल इस पोजीशन में आपको ले आना होगा। इस तरफ एक हॉपर आप और लगा सकते हो। यार इसका मुंह एकदम चेस्ट की तरफ होना चाहिए, पर यहाँ पे तो किसी का भी मुंह चेस्ट की तरफ नहीं है भाई। हाँ तो इसके लिए हमें पहले चेस्ट लगा देना चाहिए था, मैंने ही गलती कर दी। हम पहले एक चेस्ट लगा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक टिंटेड ग्लास लगा देता है। अभी ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है बस, यहाँ पे एक चेस्ट लगा दिया हमने। अब हमें यहाँ पे आके क्राउच करके यहाँ पे एक हॉपर लगाना होगा। देख सकते हो इसका मुंह इस तरफ होना चाहिए। और इस ये हॉपर को हमें तोड़ देना है। इस ब्लॉक को भी तोड़ के हमें यहाँ पे हॉपर को तोड़ के यहाँ से कनेक्ट करना होगा। ओ भाई क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या ओ ओ समझ गया समझ गया, इसे तोड़ना नहीं चाहिए था। तो मैंने इसे तोड़ के यहाँ पे गलती कर दी। तो पहले हम इस ब्लॉक को बंद कर देते हैं जिससे कि लावा का सोर्स रुक जाएगा। तो आपको लावा बाद में डालना है, आप पहले इसको कर लेना, उसके बाद मैं लावा फिर से डाल दूंगा। उसको लेकर कोई टेंशन नहीं है यार, लावा को लेकर कोई टेंशन नहीं है, वो हम बाद में भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हो सॉरी हाँ, तो हमें यहाँ पे आके खड़े होना होगा और देखना होगा कि ये जो हम ये हॉपर लगा रहे हैं वो इस हॉपर के साथ कनेक्ट हो। यार इस हॉपर के साथ अगर ये कनेक्ट नहीं होगा तो ये आयरन यहाँ पे आएगा पर यहाँ पे आके रुकेगा नहीं। तो हम एक मिनट देख लेते हैं पहले। अरे यार नहीं यार, सॉरी कुछ हुआ नहीं। तो हमें यहाँ पे ऊपर आना होगा। यहाँ पे देख सकते हो ये हॉपर इसके साथ और ये हॉपर इसके साथ। तो इन इसको बंद कर दो और इसके बाद हमें फिर से यहाँ पे वॉल्स लगा देने होंगे। वॉल यहाँ पे हमारा है, एक वॉल है कवरस्टोन का वॉल। इस कवरस्टोन के वॉल को लेके हम फिर से यहाँ पे लगा देते हैं बिल्कुल सेम जैसा हमने पहले किया था। यहाँ पे एक और वॉल, नहीं यार यहाँ पे वॉल नहीं लगेगा, वॉल यहाँ पे लगेगा। यार इसे तोड़ दो। और इसके बाद हमें जब यहाँ पे हम जब आ जाएँ तो आप चाहो तो इस जगह को भी कवर कर सकते हो डेकोरेशन के लिए, दिखने में अच्छा लगेगा। तो अब इस जगह पे आके हमें इन ब्लॉक्स को तोड़ देना है जिससे पानी का फ्लो बिल्कुल इस तरफ आ जाएगा। और लावा को लाने के लिए हमें नीचे वाले ब्लॉक्स में वो दे देना होगा। बस अपना काम बस हो चुका है। और यहाँ पे ये देख सकते हो, और मुझे बस इस वाले ब्लॉक में यहाँ पे एक ये दे देना है। तो इसको दे दिया और यहाँ पे हमें बस एक बकेट ऑफ लावा दे देना होगा। और ये देख सकते हो ब्लॉक ऑफ लावा जैसे ये लग रहा है बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे इतना काम जब अपना हो चुका है तो सारा काम ही हो चुका है। अब आपको बस अंदर आना होगा और अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे विलेजर्स को लाने होंगे। तो विलेजर्स को आप अभी तो ला नहीं सकते, तो मैं अभी विलेजर्स को यहाँ पे स्पॉन करा देता हूँ अंदर आने के बाद। यार ये बेड लाइट कर रहा है पर बाकी बेड लाइट नहीं कर रहे, माजरा क्या है, ये बेड क्यों लाइट कर रहा है पता नहीं है, छोड़ो। तो हम पहले विलेजर्स को ले आते हैं क्राउच करके। यार ये विलेजर्स जब तक यहाँ पे सो नहीं जाएंगे तब तक हमारा काम होगा नहीं। तो हमें शायद यहाँ पे किसी कुछ देर तक हमें रुकना पड़ सकता है, मैं गारंटी नहीं दूंगा पर शायद हमें रुकना पड़ सकता है। तो अभी एक विलेजर हो गया, कितने हैं बेड, 1 2 3 4 5, तो हमें 10 विलेजर्स चाहिए होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10, लास्ट वाला 10 विलेजर अपना हो चुका है। अब हमें टाइम सेट करना होगा वेदर, हमें सेट करना होगा थंडर में, और टाइम सेट करना होगा हमें टाइम सेट मिड नाइट में, क्योंकि नाइट में ये फार्म काम करेगा, अगर नाइट ना हो तो फार्म काम नहीं करेगा। और यार कुछ विलेजर्स जब सोते नहीं, ये देखो ये ग्रीन विलेजर किसी काम के नहीं होते, इन विलेजर्स को अगर आप चाहो तो मार सकते हो। तो पहले इन विलेजर्स को मारने के लिए ऐसा कुछ, और इसके बाद मारो भाई। यार अगर कोई भी विलेजर सोता नहीं तो उसे मरना होगा, तो सोएगा नहीं, ये लोग सोएंगे नहीं तो इनको मरना होगा। तो हम कुछ विलेजर्स को और स्पॉन करते हैं। नहीं लीव लीव लीव, हमें पहले विलेजर्स को स्पॉन कराना होगा। 3 विलेजर्स हमें चाहिए और, तो एक
नहीं, अरे यार मेरे विलेज जग जाएंगे, फिर यही इनका मसला है, इनको भी मुझे मारना होगा। मैं रिक्स नहीं ले सकता यार, एक मिनट मुझे इनके साथ खेल नहीं करना, मुझे इन विलेज को सुलाना होगा। तो इनके लिए मुझे 1 2 3 4 और यहाँ पे लास्ट वाला, ये क्यों नहीं सोया भाई, सो जा या तो सो क्यों नहीं रहा। हमें इस विलेज को भी, इन विलेजर को भी सुलाना होगा, तो सो जा भाई तू। हाँ अब लास्ट वाला बस ये विलेजर बचा है, ये भी जब सो चुका है अब मुझे लगता है कि हमें भी सो जाना चाहिए, तो हम भी एक बेड लेके यहाँ पे सो जाएंगे। और अगर आपको पसंद आया तो इस चैनल को लाइक कर देना, अगर इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। इस वाले वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वाले।